नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में इसके पहले हम लोगों ने 19 लेक्चर को कवर किया हुआ था। उसमें तमाम तरह के टॉपिक की चर्चा करी हुई है। हम लोग आज समझेंगे 20वें लेक्चर में कि वैयक्तिक विक्रय या फिर व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं, यानी पर्सनल सेलिंग क्या होती है। आप लोग देखते होंगे अपने डेली लाइफ में कि कोई भी पर्सन, किसी भी कंपनी का सेल्समैन आपके घर के आसपास या फिर आपके घर आता है, और वह जो भी उस कंपनी का प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है, उसकी ब्रांडिंग के बारे में बताता है। तो तमाम तरह की चीज़ों को वह बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और वह आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। आप क्या करते हैं, उसके द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने के बाद से क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी पर्सन आता है और आपको जो भी वह गुड्स या फिर जो भी वह रेस्पेक्टिव सर्विस बेचने का प्रयास करता है, इस काम को कहा जाता है पर्सनल सेलिंग। यानी जो भी कंपनी का सेलर है वह सारे के सारे जो भी कस्टमर हैं उनसे पर्सनली मिल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में बताता है, और उसके बाद से जो भी कस्टमर होते हैं उनको इस तरीके से क्या करता है, अभिप्रेरित करता है कि वह क्या करें, उस प्रोडक्ट को खरीदें। तमाम तरह के ऑफर्स भी वह बताता है। तो यहाँ पर नॉर्मल टर्म्स में आप लोग पर्सनल सेलिंग को इसी तरीके समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अर्थ क्या है, यानी मीनिंग क्या है, किसका, व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग का। फिर हम लोग समझेंगे परिभाषा क्या कहती है इसकी। फिर समझेंगे कि कार्य कौन कौन से होते हैं जब कभी भी पर्सनल सेलिंग की जाती है। तो फिर आगे समझेंगे चौथे में कि प्रकार कौन कौन से होते हैं पर्सनल सेलिंग के। पांचवें में समझेंगे प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस यहाँ पर एडमिन चार्ल्स के द्वारा जो भी सुझाया गया उसको हम लोग समझ लेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। और हम समझते हैं सबसे पहले कि मीनिंग क्या होती है। मीनिंग में कहा गया है कि व्यक्तिगत विक्रय से आशय विक्रेता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, किसके, विक्रेता के द्वारा क्या करके, व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली क्रेता के पास पहुंचकर वस्तुओं के विक्रय या बेचने से है। यानी जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो क्या करेगा, जो भी कस्टमर है, जो भी परचेजर है, जो बायर है, उसके पास जाएगा, उससे पर्सनली मिल करके क्या करेगा, अपने गुड्स को, अपनी वस्तुओं को बेचेगा। ठीक है, यही कहा जाएगा व्यक्तिगत विक्रय। यहाँ पर मैं हमेशा व्यक्तिगत विक्रय कहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कहना। हमेशा आप लोग देखेंगे तो कई जगहों पर वैयक्तिक विक्रय लिखा होता है। तो आप लोग दोनों नाम को पर्यायवाची समझेंगे और एग्जाम में आप लोग दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे कहा गया है, इस विधि में क्रेता एवं विक्रेता आमने सामने होते हैं, और जब आप लोग देखेंगे पर्सनल सेलिंग के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो उसमें जो भी बायर होता है और जो भी सेलर होता है दोनों क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। विक्रेता क्रेता को जिस वस्तु को बेच रहा होता है उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उपयोगिता, उसकी जो यूटिलिटी है, किस तरीके से वह उपयोगी है, ब्रांड आदि के बारे में क्रेता को बताता है। किसको बताता है, जो भी बायर है उसको बताता है, जिससे क्रेता यानी बायर प्रभावित हो और क्या हो, वह प्रभावित हो। ठीक है ना, और उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु को खरीदे, यानी जो भी वस्तु विक्रेता यानी सेलर बेच रहा है उसको खरीदने के लिए बायर क्या हो, अभिप्रेरित हो, प्रेरित हो यानी मोटिवेट हो, और क्या करें, वह खरीदें। इसका उद्देश्य उत्पाद के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यानी वह जबरदस्ती नहीं कहता सेलर कि तुम्हारे घर में आया हूँ सामान बेचने के लिए, मेरी गाड़ी में इतना तेल लगा हुआ है, मैंने इतना अपना दिमाग खपाया तुमको समझाने में, अब तुम्हें गुड्स खरीदना ही पड़ेगा ना। जो भी विक्रेता होता है वह क्या करता है, जो भी क्रेता है उसके मन में जागरूकता उत्पन्न करता है। ठीक है ना, रुचि उत्पन्न करना,
इंटरेस्ट उत्पन्न करता है, ब्रांड प्राथमिकता का विकास, और वह अपने ब्रांड को प्रमोट करता है, ठीक है ना, करना आदि, कीमतों के संबंध में बातचीत करना आदि, ये सारी की सारी बातें सम्मिलित होती हैं। यह क्या होता है, उद्देश्य होता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का सेल्समैन आया आपके पास और उसने अपने कंपनी के बारे में तमाम तरह की बातें बताई, प्रमोशन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर है उसके गुड्स को खरीदने या फिर ना खरीदने, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, लेकिन वह क्या कर गया, आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ गया। तो अगली बार हो सकता है वह जब भी आपके पास आए तो आप क्या करें, उसके गुड्स को खरीद सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो भी ब्रांड की प्राथमिकता होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, रुचि उत्पन्न किया जाता है और जागरूकता उत्पन्न किया जाता है किसी भी सेल्समैन के द्वारा, जो भी परचेज करने वाला पर्सन है, यानी जो भी बायर है या फिर परचेजर है। हम लोग अब समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। मोटा मोटी जो भी बातें मीनिंग में कही जाती हैं, वही बातें एक फॉर्मेट में जो भी विद्वान होते हैं, जो भी फिलोसोफर होते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, वह कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो डेफिनेशन को समझेंगे और जानेंगे। पहला है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा जो भी कहा गया है, ये कहती है कि विक्रय करने के उद्देश्य से, यानी सेलिंग करने के प्रस्पेक्टिव से, सेलिंग करने के ऑब्जेक्टिव से, सेलिंग करने के उद्देश्य से, या फिर आप कह सकते हैं कि बेचने के उद्देश्य से, ठीक। आगे कहा गया है एक या अधिक संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत में मौखिक प्रस्तुति, और एक या एक से अधिक जो भी संभावित ग्राहक हो सकते हैं, मतलब अभी मैं उनको अपनी जो भी वस्तु है उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं अगर सेलर हूँ तो क्या है, वह हमारी बात को सुन रहा है, जब वह खरीद लेगा तब वो क्या कहा जाएगा, तब वो कहा जाएगा ग्राहक है वह। तो जो भी संभावित ग्राहक है उसके बारे में जब मैं अपने गुड्स की मौखिक प्रस्तुति करूँगा, इसको कहा गया है क्या, यहाँ पर व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग कहा गया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार। इसको आप लोग याद करेंगे, बहुत ईजी है ये। अगला डेफिनेशन है रिचर्ड बुश के द्वारा, ये कहते हैं कि उत्पाद के संबंधित क्रेताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है, यानी जो भी गुड्स है, उससे संबंधित जो भी क्रेता हो सकते हैं, उनको खरीदने वाले जो भी लोग हो सकते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत मिल करके, यानी व्यक्तिगत पर्सनल कांटेक्ट करके, पर्सनली मिल करके उनसे संबंध स्थापित करना, या फिर व्यक्तिगत विक्रय में जो भी चीज़ें आती हैं उनको यहाँ पर उन्हें व्यक्तिगत विक्रय कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा अभी डेफिनेशन में कि व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, किस तरीके से होता है। आप लोगों को तमाम तरह की बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी और आप लोग इसको फील भी कर पा रहे होंगे कि पर्सनल सेलिंग कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कभी भी अगर आप लोग मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पर किसी भी कंपनी का रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस एजेंट या फिर किसी भी ब्रांड का पर्सन जो होता है, जो सेलर होता है, वो आपके पास आता है, कहता है आप लोग ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तमाम तरह के जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, वो जो भी बैंक्स हैं, उनके जो भी एजेंट होते हैं, जो भी सेलर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए आपके पास आते रहते हैं। तो अभी क्या हैं, वो अभी सेलर हैं, तो वह आपसे जो काम कर रहे हैं वो भी क्या कहा जाएगा, वो भी कहा जाएगा पर्सनल सेलिंग कहा जाएगा। आगे चलते हैं, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है पहला विक्रय करना यानी मेकिंग सेल्स, सेल्स किया जाता है ना यहाँ पे। अगर पर्सनल सेलिंग की बात की जाएगी तो सेलिंग का मतलब सेल्स करना, तो यहाँ पर जो भी कस्टमर को बातें की जाती हैं, कस्टमर को बातें बताई जाती हैं सेलर के द्वारा, वह सेल्स करने के उद्देश्य से ही बताई जाती हैं। बी विक्रय रिकॉर्ड रखना यानी कीपिंग सेल्स रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर जो भी सेल्समैन होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड भी रखता है। इस बात को आप लोग समझेंगे। सी है प्रशासनिक का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं वे भी यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कहा गया है ग्राहक की सेवा यानी सर्विस टू कस्टमर, कस्टमर को सर्विस दी जाती है ना। अब कस्टमर कहाँ जाएगा दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए, मॉल में जाएगा, अपना समय गंवाएगा। तो यहाँ पर जो भी सेलर होता है कस्टमर के डोर पे यानी दरवाजे पे आ जाता है और अपने गुड्स को सेल करता है।
ठीक है, आप लोग इसको समझेंगे। आगे आप लोग देखेंगे ना कि आप लोग किसी भी, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, वो आपके पास आ जाता है, तो वो पर्सनल सेलिंग में नहीं आएगा। जब सेल्समैन आएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, आप इन्फ्लुएंस होंगे, खरीदेंगे, तो इस प्रोसेस को आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे, वही उसी को कहा जाएगा व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है, अंतिम है कि संस्थाओं की ख्याति को बढ़ाना, डेवलपिंग गुडविल ऑफ फर्म्स। जब यहाँ पर सेलर जाएगा कस्टमर के पास और जो भी रेस्पेक्टिव चीज़ें हैं ब्रांड के बारे में बताएगा तो निश्चय ही गुडविल भी बढ़ेगी धीरे धीरे। आगे चलते हैं, प्रकार के बारे में बात करते हैं। प्रकार यहाँ पे 3 दिया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। और जब मैं आपको अपनी वेबसाइट पर नोट्स जो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बातें बता दूँगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर टाइप 3 प्रकार का होता है। पहला है फुटकर व्यापारियों के लिए विक्रय, यानी फॉर रिटेलर्स, या ऐसे कह सकते हैं सेल्स फॉर रिटेलर्स, या फिर पर्सनल सेलिंग फॉर रिटेलर्स। दूसरा है थोक व्यापारियों के लिए, फॉर होलसेलर्स, जो भी थोक व्यापारी होते हैं उनके लिए भी होलसेलिंग के समय जो भी पर्सनल सेलिंग होती है वो डिपेंड करती, यानी होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कोई भी कंपनी के प्रस्पेक्टिव में आप लोग लेकर के। सी है निर्माताओं के, यानी फॉर मैन्युफैक्चरर्स। तो इन तमाम तरह की बातों को समझ के आपको समझ में आएगा कि ये प्रकार हो सकते हैं किसी भी व्यक्तिगत विक्रय के, यानी पर्सनल सेलिंग के। आगे हम बात करते हैं प्रक्रिया की। एडविन चार्ल्स बताते हैं कि क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या स्टेप हो सकता है पर्सनल सेलिंग में। आप लोग अपनी बातें समझ सकते हैं, अगर आपको लिखा जाए कि प्रोसेस क्या हो सकता है तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग अगर एक किसी भी विद्वान की बात लिखना चाहें, यानी एडविन चार्ल्स के बारे में लिखना चाहें, तो आप लोग यह अगर कोट करते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर बढ़िया आता है। हम लोग देखेंगे तो ये क्या करते हैं, 5 बातें बताते हैं। कहते हैं ध्यान आकर्षित करना, जो भी सेलर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले ध्यान आकर्षित करता है किसका, जो भी बायर होता है उसका। फिर रुचि जागृत करना, इंटरेस्ट उसके मन में जागृत हो जाए, पनपे, इसके लिए वह तमाम तरह के लुभावने ऑफर भी देता है, ठीक है। इच्छा प्रेरित करना, अब उसके अंदर इंटरेस्ट जग जाएगा तो उसकी इच्छा को प्रेरित करना कि भैया यही है, यह ब्रांड तुमने नहीं खरीदा ना, तुम्हारी ज़िंदगी एकदम अंधेरे में चली जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह की बातें उसे समझाई जाती हैं कि तुम ये क्या करो, ये ब्रांड खरीदो, ठीक है ना। तो उसके अंदर इच्छा जागृत कराई जाती है, उसे प्रेरित किया जाता है कि भाई तुम्हें खरीदना पड़ेगा। विश्वास दिलाना, और उसे विश्वास दिलाया जाता है कि जो भी ब्रांड तुम खरीद रहे हो, जो भी प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो, यह निश्चय ही बहुत बढ़िया है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और अंतिम है कार्य के रूप में परिणित करना, अथवा विक्रय समाप्ति। विक्रय समाप्ति का मतलब क्या होता है कि उस गुड्स को बेच दिया जाना जो भी सेलर है उसके द्वारा कस्टमर को। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है व्यक्तिगत विक्रय से, तो निश्चय ही आप लोग अपने सभी प्रश्नों को बताएं, या फिर मार्केटिंग से भी कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने प्रश्नों को बताते चलें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आगे हम लोग फिर मिलेंगे मार्केटिंग के अनदर वीडियो में। आप लोग देखते रहें आशीष कॉमर्स क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बताएं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।